मैंने ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स वाले चैप्टर में आपको बताया था कि वहां के लोग जीने के लिए क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उसके बाद पशुओं को पालते थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हड़प्पाई समाज में जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस पाए जाते थे उसका पता हमने कैसे लगाया। उसके बाद हमने किया था फीचर्स ऑफ मोहनजोदड़ो। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब खेती के अलावा, पशु पालने के अलावा वहां के लोग क्राफ्ट भी किया करते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन में जैसे बीड्स मेकिंग हो गया, शेल कटिंग हो गया, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें भी जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, मोहरे बनाना, बाट वगैरह बनाना, ये सब शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आता था। अब जैसे कि वो लोग मनके बनाते थे, बीड्स बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए उनको कच्चा मटेरियल भी चाहिए। ठीक है, अब रॉ मटेरियल्स में क्या यूज करते थे, अब उस मनके को बनाने के लिए स्टोन्स लाइक कार्लेनियन, जेस्पर, क्रिस्टल्स हो गया, इसके अलावा कुछ मेटल्स हो गए लाइक कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, इसके अलावा सेल यूज करते थे, फ्यांस यूज करते थे। ठीक है, और इसके अलावा वो जो पक्की मिट्टी होती थी उससे भी मनके बनाया करते थे। और कई बार मनके बनाने के लिए वो अलग अलग पत्थरों को भी आपस में जोड़ दिया करते थे, और जो शेप्स होती थी मनकों की वो भी एक दूसरे से काफी अलग होती थी। और कई बार तो मनकों को भी खोदकर या उन पर भी चित्रकारी के माध्यम से उन मनकों को सजाया जाता था। अब हम पढ़ते हैं कि आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने कैसे पता लगाया कि ये सेंटर्स थे, यहाँ पर ये क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। जैसे आपको नागेश्वर और बालाकोट है, ये दोनों ही बेटा समुद्र के किनारे थे, और यहाँ पर हमें जो शंख थे वो आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, इसलिए लोग वहां पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये हमें कैसे पता लगाया कि हमने कि नागेश्वर और बालाकोट में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है तो बेटा वहां उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास ये होता है कि जो भी रॉ मटेरियल होता है या जो हमारे वेस्ट होते हैं उसको हम वहीं पर ही छोड़ दिया करते हैं। इसलिए हमें खुदाई में ऐसी बहुत सारी जगह मिली जहां पर हमें ये वेस्टेस देखने को मिले, तो इससे हमने अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर ये चीजें बनाई जाती थी। उदाहरण के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक टेलर की शॉप है, आप देखोगे कि उसकी शॉप के बाहर बहुत सारे धागे पड़े रहते हैं, या फिर नीडल्स पड़ी रहेंगी, या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो कपड़े होते हैं, जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं वो बाहर बिखरे होते हैं, तो आप पता लगा लेते हैं कि बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कपड़े सिले जाते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजीज थी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, की माल को प्राप्त कैसे करते थे। तो इसके तीन तरीके थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टू एस्टेब्लिश सेटलमेंट्स, ठीक है, बस्तियां स्थापित कर लिया करते थे। फॉर एग्जांपल, नागेश्वर और जो बालाकोट है जहां पर शंख आसानी से मिल रहे थे तो लोगों ने वहां पर रहना शुरू कर दिया। इसके अलावा अफगानिस्तान में एक जगह थी श्रोतु गई, वहां पर भी हमें एक बहुत अच्छा जो मिल रहा था, एक लाजवर्द करके जो मणि थी वो मिल रही थी, तो लोगों ने वहां पर रहना शुरू कर दिया था। बहुत सारी चीजें थी जैसे गुजरात में, या फिर शैल खड़ी जो मिल रहा था, स्टेटलाइट वो हमें राजस्थान और गुजरात में मिल रहा था, मेटल हमें गुजरात से मिलता था, जो चीजें जहां पर मिलती थी वहीं पर ही लोग रहना शुरू कर दिया करते थे। और दूसरा तरीका होता था टू सेंड एक्सपीडिशन, यानी कि अभियान भेजना। अब बहुत सारी चीजें थी जो हड़प्पा जो सेंटर्स थे उनसे बहुत ही दूर मिल रही थी, जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर हमें राजस्थान का एक खेतड़ी अंचल था रीजन, वहां से मिल रहा है, या फिर हमें जो मेटल है गोल्ड है वो हमें साउथ इंडिया से मिल रहा है। तो क्या करते थे ये लोग, जो हड़प्पा के जो लोग थे वो अपने कुछ लोगों को वहां पर भेज दिया करते थे, और वो जो ग्रुप वहां पर जाता था वो वहां के जो लोकल लोग होते थे उनसे बातें कर लिया करते थे कि भाई हम 15 दिन में या फिर 1 महीने के बाद आएंगे और हमें इतना मटेरियल चाहिए, तो वो लोग उनके लिए फिर वो इतना ही इकट्ठा कर दिया करते थे। इसके अलावा था कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड, अब इनके जो दूरस्थ क्षेत्र थे उनसे भी इनका एक अपना संबंध बना हुआ था। उदाहरण के लिए जो कॉपर है वो ये लोग ओमान से लाते थे। अब हमने कैसे पता लगाया कि ये ओमान से आ रहा था, क्योंकि जो कॉपर हमें मिल रहा है उसमें निकल के अंश है, और जो कॉपर हमें यहाँ मिल रहा है हड़प्पा में वहां पर भी निकल के अंश है, तो इससे हमने पता लगा लिया कि बेटा कि ये जो कॉपर है वो ओमान से लाया गया है। इसके अलावा ओमान में एक हमें हड़प्पाई जार भी मिला है जिस पर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, तो इससे हमने ये पता लगा लिया है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो व्यापार भी किया करते थे, जैसे कि ईरान जिसको पर्शियन कहा जाता था, इराक,
जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता था, जिसके बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी उनका ट्रेड चलता था। अब जो मेसोपोटामिया है वहां की बुक में मेलुहा का जिक्र आता है। मेलुहा जरूर वो हड़प्पा का ही कोई सेंटर रहा होगा। और इसके अलावा जो हड़प्पा की हमें सील मिल रही है, जो मोहरे मिल रही है बेटा, उस पर भी नाव के चित्र हैं, जहाज के चित्र हैं। तो उनसे हमने ये अनुमान लगा लिया कि जरूर हड़प्पा के लोग दूसरे देशों के साथ भी व्यापार किया करते थे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सील्स एंड सील। ठीक है, अब जब दूर के देशों के साथ उनका व्यापार होता था तो उसके लिए बेटा वो सील्स यूज करते होंगे, मोहरे यूज करते होंगे। और सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता था तो वो क्या करते थे कि सामान को बैग में भरने के बाद उसके मुंह को रस्सी से बांधकर उस पर मिट्टी, गीली जो मिट्टी होती थी उसके ऊपर उस सील से उस सील को लगा दिया जाता था। और जब तक वो सील अपने जगह तक पहुंचने तक ऐसी ही बनी रहती थी, तो इससे हमें ये पता चल जाता था कि रास्ते में किसी ने भी माल के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की है। अब है हड़प्पाई लिपि की बात, लिपि के बारे में हम जानते हैं। बेटा जो हड़प्पाई लिपि है, जो हड़प्पाई स्क्रिप्ट है, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको हम एक एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी कि एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है। अब ये हमारे लिए रहस्यमय इसलिए है क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब हम इसको पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सिंबल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है। 375 से 400 के बीच में सिंबल्स की संख्या पाई जाती है और लिखा हुआ बहुत ही कम मिल रहा है। जो हमें सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, जो अभिलेख मिल रहा है, उसमें भी सिर्फ 26 सिंबल्स है। इसके अलावा जो हमें इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं वो बहुत ही कम है, इसमें बहुत ही कम यूज हो रहे हैं सिंबल्स, तो इसलिए पढ़ना बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है उसके अलावा। लेकिन हाँ, हमने इतना तो जरूर पता लगा लिया है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। लेकिन हमने पता कैसे लगाया कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी? बेटा जब राइट से लेफ्ट की ओर लिखना शुरू करते थे तो क्या था कि जो राइट की तरफ से उन्होंने लिखना शुरू किया तो उसमें काफी गैप होता था, लेकिन जैसे जैसे वो लेफ्ट की ओर आते जाते थे तो उतना ही स्पेस नैरो होता जाता था, यानी संकुचित हो जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि लिखते लिखते जगह कम पड़ गई थी, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उसको नैरो लिखना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा ये जो हड़प्पाई स्क्रिप्ट है वो बेटा हमें वो लोग उसको मोहरों पर भी लिखा करते थे, ठीक है, या पर मिट्टी की छोटी छोटी लघु पट्टिकाएं हैं उन पर भी ऐसा हमें लिखा हुआ मिला है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड होता था उस पर भी हमने इस तरह के सिंबल्स को देखा है। अब हम बात करते हैं वेट की, ठीक है, कि वहां पर भी सब वस्तुओं को तोलने के लिए वो लोग वेट्स यूज करते थे, क्योंकि हमें तराजू के पलड़े भी मिले हैं और जो हमें बाट मिले हैं कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी पता लगाया है कि इन बाट में जो लोअर डिनोमिनेशन होता था, जो निचला मानदंड था, वो द्विआधारी था यानी बाइनरी था, और जो ऊपरी मानदंड था वो उसमें वो लोग दशमलव प्रणाली का यूज करते थे, यानी कि डेसिमल सिस्टम को यूज करते थे। अब आती है आपका अगला टॉपिक है एंशियंट अथॉरिटी, कि क्या हड़प्पा में कोई राजा था या किसी के हाथ कोई ऐसा था जिसके हाथ में सारी सत्ता थी? तो हालांकि हमें हड़प्पा में एक महल मिला, उससे जुड़ी और कोई चीजें वहां पर नहीं मिली है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक मूर्ति भी मिली है जिसको हमने पुरोहित राजा यानी कि प्रिस्ट किंग का नाम दिया है। तो ये माना जा रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनमें तीन अलग अलग विचार है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वहां पर कोई राजा नहीं था, सभी लोगों की स्थिति समान थी, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, वहां पर कई राजा थे, जैसे हड़प्पा का अलग था, नागेश्वर का अलग रहा होगा, या फिर बालाकोट का अलग था, मोहनजोदड़ो का अलग था। लेकिन जो तीसरा वर्ग है, जो तीसरा सेक्शन है आर्कियोलॉजिस्ट का, वो ये कहते हैं कि वहां पर एक ही राजा थे, यानी कि तीन अलग अलग व्यूज है। कोई कहता है कि वहां पर कोई भी राजा नहीं था, कोई कहते हैं कि एक राजा था, कोई कहता है बहुत सारे राजा थे। तो तीनों व्यूज में से हमें क्या सही लगता है? तो हमें लगता है कि जरूर वहां पर एक ही राजा होगा। क्यों हमें ये ऐसा इसलिए लगता है? क्योंकि बेटा जैसे कि हमें जो ब्रिक्स मिली है उनका रेशियो भी सेम है, ठीक है, जो भी सेटलमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एक ही तरीके से बने हुए हैं। जितनी भी हमें जो बस्तियां मिल रही है वो सारी समुद्र के किनारे मिल रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जरूर ये जो निर्णय होंगे किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही लिए जाते होंगे, क्योंकि सामूहिक रूप से तो ऐसे जटिल निर्णय लेना संभव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1900 BCE में, ठीक है,
धीरे धीरे हड़प्पा अपने अंत की ओर चली जा रही थी। तो उसमें क्या बदलाव आपको नजर आ रहे थे? तो उसके अंदर जो हमें बदलाव नजर आ रहे थे वो आ रहा था कि बेटा अब जो मनके बनाए जा रहे थे, बीड्स बनाए जा रहे थे, वो धीरे धीरे अब खत्म होते चले जा रहे थे। जो लेखन है, जो राइटिंग था या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, उसमें भी कमी आती चली जा रही थी। लेकिन ये जो बदलाव आए, या पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसके बारे में बहुत अलग अलग स्टेट्समैन है। कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़, फ्लड, फ्लड एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, क्योंकि सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आती थी, जिसकी वजह से सभ्यता बार बार अस्तित्व में आई और बार बार नष्ट होती चली गई थी। इसके अलावा वनों की कटाई, या फिर अत्यधिक बाढ़ आना, नदियों का सूख जाना, या फिर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। अब जब नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा तो पानी की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई होगी। या फिर कुछ कहा जाता है कि बाहरी आक्रमण, या ना जो आर्य वगैरह थे, क्योंकि कहा जाता है इनके बाद आर्य आए थे, तो हो सकता है कि आर्यों के आक्रमण के बाद से इस सभ्यता का धीरे धीरे क्या हो गया, अंत होना शुरू हो गया था। तो आज हमने पढ़ा बेटा किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के हमने बहुत सारे फीचर्स को जाना। तो अगली वीडियो में फिर मैं आपको इसका जो लास्ट कंटेंट है उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।